वंदे गुरुपद्वंदं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंद सहोदितं श्री नंदनंदनं वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजनों समायुक्तं बिंदावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयतगिरिं यत्किपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्वत्वै नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तो गुरुभक्तियुक्तो भक्ति प्रमदाक्ष जगोद्वरुण्य ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भीतात्तिहं पुनतपालभवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुजित किमपि गोपवधूष्वदर्शि पूर्णानुरागरससागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौरभक्तबिंद। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातु संकीर्तने कवितरो कमलायताक्ष विशाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च ददासि नित्यम् भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भज भीशनाथं। वागीशजस्व वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदय संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। नास्त संस्थाधर्मे नभसनिचये नैव काम भोगे यद्भव्यं तद्भवतु भगवान् पूर्वकर्मानुरूपं एतत्पार्थं मम बहुमतं जन्म जन्मान्तर्योऽपि तत्पादाम्बरुहो जुगगता निश्चला भक्तिरस्तु नास्ता धर्मे न च वसुनिचये नैव काम भोगे जद्भाव्यं तद्भवतु भगवान् पूर्वकर्मानुरूपं एतत् पार्थं मम बहुमतं जन्म जन्मान्तर्योऽपि तत्पादाम्बरुहो जुगगता निश्चला भक्तिरस्तु। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जगत गुरु जी ने बताए, जब जगत का हर आदमी पारमार्थिक बातें, अपराकित जगत का जो सिद्धांत विचार आदि ये समझ नहीं पाते। किसी ने प्रश्न किया प्रभुपाद ऐसा क्यों होता है कि हर आदमी पारमार्थिक विषय का जो गंभीर विषय समझ नहीं पाते, क्यों, क्या कारण है? सब कोई का तो बुद्धि है ही है, विचार भी है, लेकिन क्यों नहीं पकड़ पाते? गौड़ीय गोष्ठीपति शिला भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जगत गुरु जी ने बताए, सौभाग्य नहीं होने से, तकदीर अगर अच्छा नहीं है, भाग्य अगर ठीक नहीं है, तो कैसे पकड़ पाएगा, संभव कैसे? संस्कार होना जरूरी है। प्रभुपाद कह रहे हैं संस्कार होना जरूरी है। जो लोग भाग्यवान हैं ये लोग प्रणत होकर, अर्थात श्री गीता का जो है प्रणिपात तद्विद्धि प्रणिपात परिवेषण सेवाया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः, ये विचार के अनुसार जो लोग प्रणत होके ये सब बातें सुनना चाहता है, जीवन में ये सब कथा जो है अपनाना चाहता है, ये लोगों के लिए अंतर्यामी रूप में भगवान है। भगवत कृपा के द्वारा ये लोग समझ पाते हैं। चैत्य गुरु रूप से भगवान अंदर में बैठा हुआ है। मैंने ये भाव ऐसा भी देखा है, बड़ा आश्चर्य की बात है। बहुत बार एक ही बात सुना, बहुत बार कई महात्मा से सुना है, लेकिन उस दिन कैसा हुआ, एक पहुंचा हुआ महात्मा ये बताने का साथ साथ जैसे बिजली का माफिक समझ में आ गया। सिद्धांत विचार ये है, चैत्य गुरु का कृपा होना जरूरी है, चैत्य गुरु का कृपा होना जरूरी है, नहीं होने से समझना मुश्किल होता है। सो भगवत कृपा के द्वारा ये लोग समझ पाते हैं। और जो लोग हैस्टी कंक्लूजन, बहुत जल्दी किसी विषय पर जल्दी निर्णय ले लिया, ऐसा नहीं हो सकता, बस हो गया। जो लोग हैस्टी कंक्लूजन, बहुत द्रुत जल्दी किसी विषय पर सिद्धांतों में उतारना चाहता है, भले ये ऐसा ही है, ये हो ही नहीं सकता, वे लोग सत्य वस्तु ग्रहण में असमर्थ है। नरोत्तम ठाकुर का विचार के अनुसार पूर्वापर करिया विचार, पहले का एवं बाद, महाजन लोगों का जो वचन है, पितामह भीष्म जी, प्रहलाद माँ, सारे बताए हैं, बहुत सारे। और अभी भक्तिविनोद ठाकुर, रूप गोस्वामी पाद, भक्तिविनोद जीव गोस्वामी पाद, प्रभुपाद, केशव गोस्वामी, सब बता रहे हैं। सो ये पूर्वापर कोरिया विचार ये बड़ा ऊंचा कंसेप्शन है, ये बड़ा इतना सुंदर हरिकथा हो सकता है। इस विषय पर, सिर्फ इस विषय पर एक सुंदर हरिकथा हो सकता, पूर्वापर कोरिया विचार, मैंने उदाहरण देके दिखाएंगे। पहले महापुरुष से जो हमारा महाजन लोग क्या बोला है, अभी महाजन लोग क्या बोला है, हमारा जिसका साथ डायरेक्ट लिंक है, जैसे प्रभुपाद भक्ति ठाकुर केशव गोस्वामी महाराज, तो ये पूर्वापर कोरिया विचार नरोत्तम ठाकुर ने इशारा दे दिया। जो अकलमंदी है वो कैसे समझे, वो तो समझ नहीं पाएगा। तो ये लोग जो है पूर्ण सत्य वस्तु का बारे में जो सिद्धांत, ये सत्य वस्तु ग्रहण में असमर्थ है, ग्रहण नहीं कर पाते। पूर्ण ज्ञान का अनुशीलन का कारण, पूर्ण ज्ञान ये अनुशीलन के लिए इन लोगों का पास कोई समय नहीं है। हरि कथा बोलने जाए महाराज, कथा सुनने का टाइम नहीं है, क्या लगेगा ये बताओ। ऐसा भिक्षा करने जो जाए उसका भी जीवन में धिक्कार है। प्रभुपाद का विचार के अनुसार ऐसा जगह भिक्षा नहीं लेनी चाहिए, लेकिन है तो कम से कम तो कुछ दे रहा है, मंगल हो रहा है। अरे मंगल कौन कर रहा है, प्रभुपाद कर रहा है कि हम कर रहे हैं? मंगल हो रहा है, तुम मंगल करने वाला कौन हो? स्वयं बद्ध अवस्था में है, लूटने का चक्कर। ये जो है पूर्ण ज्ञान का अनुशीलन के लिए लोगों का बस कोई समय नहीं बचा। कोई अगर किसी को हम मंगल नहीं कर सके तो उसके पास से उसका पास में मेरा लेना भी कोई इच्छा नहीं है। हम इनकार कर देते, हम धक्का देते थे। ऐसा है कि 2 महीना पहले बहुत हमने देखा, बहुत सारा सेवा का भाव दिखा रहे, उसके बाद देखा पूरा चीटर उल्टा, हमने धक्का दे दिया, चल भाग। परवस्तु का विचार में ये जो प्रभुपाद जी ने रास्ता दिखाया, किसी का मंगल हम नहीं कर सका, वो लेने के लिए तैयार नहीं है, तो हम लेके क्या करें? सपोज करो कोई हरि का सुनने का टाइम नहीं है, आरती देखने का कुछ करने का टाइम नहीं है, वो किसी को डोनेशन देना चाहता है, वो मेटेरियल डोनेशन, वो पैसा भी फूंक जाएगा, वो पैसा रहेगा नहीं, वो बेकार का पैसा। और जिसके पास से पैसा लिए हो तो आप, उसका और वैभव बढ़ जाएगा, उसको और बंधन में डाल देगा। ऐसा उपकार करके आप आए हो, उपकार करने का तरीका है, प्रभुपाद जानते हैं इस सब। तो ये प्रभुपाद कह रहे हैं कि पूर्ण ज्ञान का अनुशीलन, पूर्ण वस्तु का अनुशीलन के लिए ये लोगों का पास बिल्कुल समय नहीं है, ये समय देना नहीं चाहता है। पर हमारे पास टाइम नहीं है, मरने का टाइम है, मरने का टाइम जरूर है। मरने का टाइम है तो क्या बोले, हमारा टाइम था, चल जोमराज आगे ले जाएगा तब टाइम बनेगा, अब टाइम नहीं है। हम लोग बचपन से जिस समाज में पला बड़ा, हम लोग का ये अभ्यास है, जिस समाज में संसार में पला बड़ा, इस संसार में मेटेरियलिज्म जड़ भाव इतना ज़्यादा है कि ये बोलने का लायक नहीं है। इतना मेटेरियलिज्म है, और ये लोग अपना आयस आराम के लिए, फुर्ती के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, आयस आराम के लिए तमाम दुनिया का पैसा और समय दे सकता है, लेकिन एक पल भर भी समय नित्य जीवन, नित्य जगत का बारे में, जो आप जो शरीर छोड़ने जा रहे हो, आप जो शरीर छोड़ने जा रहे हो, उसका बाद कहाँ जाओगे और आपका नित्य जीवन कैसा होनी चाहिए, ये नित्य जगत का बारे में नित्य जीवन का चर्चा करने जाओ तो ये लोग एक पल भर भी समय दे नहीं सकता, इनकार कर देंगे। ये लोगों का व्यवहारिक कर्म में, मेटेरियल कर्म, रिलेटिव कर्म, जो व्यवहारिक कर्म में ही 24 घंटा चला जाता है। यहाँ तक कि शयन भी बेचैनी से सोता है, चैन से सो नहीं पाते। मैं क्या वस्तु हूं ये जानने का कोशिश करना जरूरी, सख्त सख्त जरूरी है। मैं क्या वस्तु हूँ, मैं कौन हूँ, क्या ये शरीर ज़्यादा सबसे बड़ा चीज़ है कि इसका अंदर में कुछ है, मर जाए मिट जाए, ऐसा क्या? चार्वाक का मातिक, चार्वाक जो है इतना मेटेरियलिज्म है, चार्वाक ऋषि, वो तो ऋषि हम बोलते नहीं है इसको, चार्वाक 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 कहते हैं जावत जीवेत सुखम जीवेत। इसका एडवाइस देखो पागलपंथी, इसका कितना सुंदर एडवाइस है, भले जावत जीवेत सुखम जीवेत, मेटेरियल आदमी के लिए सुंदर है ना, जावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कित्वा घृतम पीवेत। अरे पैसा नहीं है तो उधार ले लो, लेके घी खरीद लो, घी खाओ, खूब खाओ, जितना दिन जियोगे आयस आराम के साथ जियो, खाओ पियो जियो, एंजॉय योर सेल्फ। ऐसा चार्वाक ऋषि का ये विचार है। मैं कौन सी वस्तु हूँ, कैसा वस्तु हूँ, इस विषय में जानकारी लेने का कोई इच्छा नहीं पैदा होता हृदय में, सबसे बड़ा मुसीबत है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि 24 घंटा जो लोग पार लगाना चाहता है, जो लोग पार लगाना चाहता है कि इस पार से दूसरा पार जाऊं जल्दी, ये लोगों के लिए प्रभुपाद कह रहे हैं। अरे गाने में बहुत अच्छा लगता है ब्रजवासी का माफी, और अंदर में देखो कचरा भरा हुआ है, बोलने का टाइम में कीर्तन गा देगा ब्रजवासी का माफी, कन्हैया ले चलो पल्ली पार, जैसे कि पल्ली पार जाने के लिए उसका एकदम बाबा रो रहा है। कुछ नहीं, ये सब नाटकबाजी, किसी का पड़ा नहीं, किसी का इच्छा नहीं कि जाने का। मानव जीवन, वो बात कह रहे हैं कि मानव जीवन में 24 घंटा पारलौकिक विचार करना चाहिए। वो बात कह रहे हैं कि 24 घंटा ये पारलौकिक विचार में व्यस्त रहना चाहिए। सारे महाजन लोग ऐसा ही बताया, कौन सुनता? कोई अगर साधु महात्मा के पास रहने का सुयोग मिला तो नाजायज फायदा ले लेंगे। इसको सेवा नहीं बोला जाता, इसको एंजॉयमेंट, साधु को भोग करना। श्रील बामन गोस्वामी महाराज भी अपना पत्रावली में लिखे हुए हैं, देखना बहुत सुंदर, कि वो महापुरुष लोगों का जो पत्र है ये भी मामूली पत्र नहीं है, इसमें भरपूर हरि का था और भजन का रहस्य घेरा हुआ है। किसका हिम्मत है तो पढ़ लो, पढ़ के जान लो। बावन महाराज जी बोला, देखो तुम लोग मामूली विषय में समय खराब नहीं करना। बामन गोस्वामी महाराज पत्रों में लिखे हैं, हम दिखा देंगे, आओ। भले आप लोग मामूली विषय में, तुच्छ विषय में समय खराब नहीं करना, हर वक्त अपराकृत विषय लेके चिंता करना, तो ये स्वभाव में बदल जाएगा, आज नहीं तो काल ये स्वभाव में बदल जाएगा। बहुत सुंदर पारमार्थिक जो इम्प्रूवमेंट है, इसी का ये जो है ये का रास्ता है। वास्तव बुद्धिमान का ये कर्तव्य नहीं है कि अमूल्य जीवन, ये जो अमूल्य जीवन ये इंद्रिय तृप्ति सेंसुअल एंजॉयमेंट के लिए व्यय कर दे। बहुत बार मैंने कह चुका, भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी महाराज जी को कह रहे हैं, उद्धव जी महाराज जी को कह रहे हैं, एषा बुद्धिमतां बुद्धि मनीषा च मनीषीणम जत सत्यम अनृते नेह मरते न अपनति अमृतम। जो ये 2 दिन का शरीर पकड़ कर नित्य वस्तु, नित्य अमृतमय वस्तु प्राप्त करने के लिए व्यस्त है, भगवान कह रहे हैं कि ये वास्तव बुद्धिमान है। 2 दिन का जिंदगी, 2 दिन का सफर है, ये थोड़ी सी समय में अगर हम ये बात को छोड़ दिया कि नित्य जगत क्या होगा, इसका बाद कहाँ जाएंगे, ये सब विचार छोड़ दें, तो ये तो ठीक नहीं है। क्योंकि आदमी का जो है मानुष जो है, आदमी का, मनुष्यों का रैशनैलिटी है, विचार क्षमता है, पशु का नहीं है। तो इसीलिए वशिष्ठ मुनि जी ने इसीलिए बताया, सुनने से बहुत खराब लगेगा। आहार निद्रा भय मैथुन च समन्न में तपस्वी नाराना ज्ञानो विशेष अधिको नारानम ज्ञाने नहीना पशुवी समान। वशिष्ठ मुनि जी ने बताए आहार निद्रा भय मैथुन, ये चारों का चारों ही है। पशुओं में भी दिखाई जाता और आदमियों में भी दिखाई जाता, क्या फर्क पड़ता है। ज्ञानो विशेष अधिका नारानम, आदमी का विशेष है रसनालिटी, विचार क्षमता। मैं खराब कर रहा हूँ, मैं ठीक कर रहा हूँ, ये जो विचार है, विवेक है। ये विवेक नहीं है तो मानहूस, हूस मतलब चेतना, अगर नहीं है तो कैसा मानुष है, ये हो ही नहीं सकता। हर आदमी अपना अपना जीवन जिंदगी का जो मंगल का अनुसंधान करना चाहिए। प्रत्येक आदमी, हर आदमी अपना निज निज मंगल का अनुसंधान करना चाहिए, करे। संसार का आदमी अपना स्वार्थ क्या है, अपना असली स्वार्थ क्या है समझता नहीं। हम लोग को स्वार्थ पर होना चाहिए। प्रभुपाद जी ने बताया हम लोग को स्वार्थ पर होना चाहिए। और आम आदमी सोचेगा हाय राम कैसा बुद्धि है, स्वार्थ पर होना चाहिए। बोले हाँ, स्वार्थ पर मतलब स्व अर्थ। समाज में जो अक्सर आदमी बोलते रहे तू स्वार्थ पर है, तू स्वार्थी है, ये नहीं। ये समाज का आदमी जो स्वार्थ सोचता है कि अपना शरीर और मन का साथ जोड़ा हुआ जो प्रॉफिट एंड लॉस, इसको सर। लेकिन ये जो प्रहलाद महाराज भी ये सुंदर बताए श्रीमद् भागवत जी महापुराण में। प्रभुपाद कह रहे हैं कि सब कोई को स्वार्थ पर होना चाहिए। स्वार्थ मतलब स्व अर्थ, अतः आत्मा का जो अर्थ, आत्मा का जो खुराक है, आत्मा जो अर्थ है, आत्मा का तरक्की के लिए क्या प्रॉपर्टी है आत्मा का, इस विषय में हर वक्त सोचना चाहिए। और संसार में ज़्यादातर आदमी जो है अपस्वार्थ में अपना जीवन जिंदगी गंवा देता है, इतर कार्य में बेमतलब। बालक व्यक्ति खेलकूद में, युवा व्यक्ति एंजॉयमेंट में, वृद्ध संपत्ति इकट्ठा करने के लिए और शरीर रक्षा के लिए जितना सारे चीज़ें चाहिए उसका लिए इकट्ठा कर लो। ये जो सिक्योरिटी LIC में जमा कर दिया, इधर जमा कर दिया, बल्ले लाइफ इंश्योरेंस सिक्योरिटी। जिंदगी में कोई नहीं है कि लाइफ का सिक्योरिटी दे सके। सिक्योरिटी क्या सिक्योरिटी है। ये लोग संपत्ति इकट्ठा करने के लिए शरीर रक्षा करने अनुखंड जत्न है। यहाँ तक कि हजारों रुपया देके हाउस फिजिशियन रख दिया है, वो तो गुलामी कर रहा है, आएगा आगे देख के जाएगा। जरा सा भी इधर उधर हो जाए तो हैरान हो जाते हैं। प्रेशर थोड़ा सा बढ़ गया या सो लो हो गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ना ही है। कोई सेवा नहीं करेगा तो कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ेगा ही। बैठे रहो, हैं, जम के रहो। ये समाज का आदमी अपना स्वार्थ के लिए उदासीन है। ये अपना जो स्वार्थ है, आत्मा का जो स्वार्थ, स्व माने अपना, अर्थ माने लाभ है। स्व मतलब आत्मा का अर्थ, स्व अर्थ मतलब आत्मा का अर्थ, इसमें उदासीन रहते हैं समाज के आदमी। और संसार का आदमी ये संसार का स्वार्थ लूटने के लिए हर वक्त व्यस्त रहते हैं। और नित्य स्वार्थ जो है, नित्य स्वार्थ, हमारा इटर्नल जो स्वार्थ है, नित्य सात्व में उदासीन रहते हैं। हाय 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 राम, ये लोग इतना अकलमंदी है, कहते रहते हैं बेकार। ये लोग बोलते हैं ये सिजोफीनिया, ये लोग बोलते हैं ये भगवान भगवान बोल के एक तो बीमारी है, ये कुछ नहीं है, वो जिंदगी में क्या रखा है, ऐसा बोलते हैं सिजोफीनिया, छागल कुत्ता का माफी। क्यों कहते हैं कि वर्तमान ये स्वार्थ के लिए, आत्मा का मंगल के लिए कोई चिंता करने का जरूरी है नहीं, हम अगर कोशिश करते रहे तो अपने आप होगा, ऐसा सोचते रहते हैं। कर्म ही धर्म है, संसारी सब है, संसार के बढ़कर कुछ नहीं है। कोई बोलते है मन से बड़ा ना कोई, सब अपना अपना मनमानी सिद्धांत तो पास करता है। भविष्य का बारे में कर्म भविष्य का बारे में कथा क्षेत्र कर्म, ये जो ये सब लोग सोचने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। भविष्य बोलने के अपना शरीर संसार के बारे में सोचो बस, और कुछ नहीं रखा, यही सबसे बड़ा चीज़ है। इस विषय में हर वक्त ये लोग व्यस्त रहते हैं, इसी में जीवन गंवाते हैं। और गीता का चर्चा करते करते यहाँ तक हम चर्चा किया, जो देखो आम आदमी कितना जड़ सार्थी है, आम आदमी कितना जड़ सार्थी है। ये लोग कामय स्वय स्वय हृतज्ञान प्रपद्यन्ते अन्न देवता त्वां त्वां नियममास्थाय प्रकृत्वा नियता सया। अपना काम के द्वारा वशीभूत होकर, काम के द्वारा पीड़ित होकर अलग अलग देव देवका का पीछे पायलिंग करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, रिझाने के लिए कोशिश करता है, और कुछ भी हो जाए बस हमको ये चाहिए, जैसा ऐसा कोशिश करके क्षुद्र देवता जो है, छोटा छोटा डिमीगॉड्स जो है, देवता लोग जो हैं, अपना स्वभाव का अनुसार वशीभूत होकर इस क्षुद्र छोटा छोटा देवता का पीछे व्रतोपवास। चलो कोई कहे नवरात्रि कर लो, कोई कह रहे हैं कि तुम्हारा विपद तारिणी कर लो, कोई बोले इचू पूजा कर लो, सारे ये सब मशरूम का माफिक उत्पन्न हुआ है। कहाँ कहाँ से ना जाने ये सब आ गया, और भगवान का बारे में सोचेगा नहीं तो कुत्ता बिल्ली का बराबरी तो हुआ। क्या खराब बोला? खराब तो नहीं बोला ना। ये जो वशिष्ठ जी ने बताया, ऋषि वशिष्ठ जी ने आहार निद्रा भय मैथुनंच समान में था पशुवी नारायण और ज्ञान विशेष अधिक नारायणम ज्ञान नहीं ना पशुवी समान, ठीक ही तो बताए। पशु का बराबरी है, आदमी का साथ पशु का कोई भेद नहीं है। पशु आज मानुषेरी नाम, आज आदमी का नाम ही है पशु। पशु का संख्या वृद्धि हो जाए तो कोई घटिया नहीं, अच्छा है, इकोलॉजिकल बैलेंस हो जाएगा। आदमी का संख्या वृद्धि, आदमी तो नहीं है, पैजामा है, तो ये पशु इतना खराब काम नहीं कर सकता जो एक आदमी कर सकता है। तो उस दिन चर्चा करके दिखाया, जो जंग तनुम भक्त श्रद्धयार्चितुम इच्छति तस्यो तस्याचलम श्रद्धाम तम एव विदधामि अहम। भगवान कह रहे हैं कि अंतर्यामी रूप में सब कोई का हृदय में मैं बैठा हूँ, और जो देवता का आराधना करना चाहते हैं कि कुछ माल पानी लेने के लिए, जो जंगम तनुम, क्योंकि देवता लोग भगवान का विभूति है, जो जंगम तनुम भक्त श्रद्धायाम अर्चितुम इच्छति, जो लगे सपोज करो कि गणपति महाराज का पूजन करने चाहे, कोई अगर इंद्रदेव का पूजा करना चाहे, हैं देवी मैया का, सब जो कुछ भी करे, जो जंगम तनुम भक्त श्रद्धायाम अर्चितुम इच्छति, हैं जो जिसका पीछे दौड़ना चाहता है, सेवा करना चाहता है, श्रद्धा लगाकर उस व्यक्ति का उस देवता में मैं श्रद्धा थोड़ा अचला कर देता हूं। तस्यो तस्या चलाम श्रद्धा, अचला मतलब चल मतलब चले, अच्युतो, अचला मतलब अच्युतो। अच्युतो शब्दों का अर्थ और व्यापक है, हमने काल भी व्याख्या किया था। अच्युतो मतलब हु इज नेवर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम हिज ओन सिचुएशन, अचला। ये भगवान का लिए ही एकमात्र प्रयोज्य है, एप्लीकेबल। और ये अचला मतलब ये तो स्टेबिलिटी, ये माने करो तो ठीक है। तो ये जो जंग जम तनु भक्त श्रद्धया अर्चितुम इच्छति तस्यो, ये लोगों के लिए तस्याचलम श्रद्धा, उस देवता के चरण में उसका श्रद्धा जो मैं बढ़ा देता हूं। इससे क्या होता है? बोले स तया सदया युक्त तस्याराधनमीहते लभते ज ततः कामानो मयैव विहितान हितान। सतया ऐसा रूप से क्या होता है? सतया ऐसा भाव से श्रद्धया युक्त, श्रद्धया युक्त शुद्ध, वो श्रद्धा युक्त होकर आराधना करते रहते हैं बड़ा मन लगा के। सौतया श्रद्धया युक्त तस्याराधना मीहते, उसका आराधना में लग जाता है। फॉलो। और उसका बाद क्या होता है? बजलवते च ततः कामान, जो कामना वासना का पूर्ति होनी चाहिए। जय जगदीश हरे, जय जय जगदीश हरे। और कष्ट विंदे तन का, और सुख संपत्ति आए घर का, और कष्ट मिटे तन का। सुख संपत्ति आए घर का, कष्ट मिटे तन का, तब हम कह सकता कि जय जगदीश हरे। नहीं तो कौन बोलेगा बेकार, बेकार समय खराब। उतना एनर्जी किसका है? भजन करे। अरे बाबा, भजन करना है, भजन समझने में लग जाता है करोड़ों जन्म, जो सच्चा समझे। और जिसका सिंसियरिटी है इसी जन्म में समझाएगा, समझ जाएगा। सुख संपत्ति आए घर का, कष्ट मिटे तन का, जय जगदीश हरे। गणेश भी जगदीश है, शंकर भी जगदीश है, देवी मैया भी जगदीश जगदीशी है। जगदीश नहीं, जगदीशी, जगदीशा, सॉरी, जगदीशा, सॉरी। थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, व्याकरण में भूल हो जाएगा। सौतया श्रद्धया युक्त तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामानो, उसका बात अपना कामना वासों का पूर्ति भय जाए, पूर्ति है जाए। और कैसे हो जाए? बोले मयैव विहितान हितान, वो जो कोटा है रेशनिंग किया ना भगवान, ग्रहण कर देते, चलो इसको दे दे कोटा। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं ये कोटा को ग्रहण करता हूँ, तब गणपति या शंकर या कोई देवता अगर आपको दे सके। हम तो ग्रहण किया ना, जैसे महाप्रभु जी ने बचपन में खेला करते करते गंगा किनारे गया, गंगा किनारे पहुँचा और देखा कि जितना सारे लड़की है वो पूजा कर रही है, वो लोग हैं, कोई ये पूजा करे, वो पूजा कर रहे। अब भगवान जाके बैठ गया, बोला हमको पूजा करो, हम दे देंगे, हम दे देंगे। जो ले क्यों मजा कर रहे हो? अरे मजाक नहीं, हम बोले सब दे देंगे हम हैं। गंगा दुर्गा दासी मोर महेश किंकर, मापो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि गंगा दुर्गा दासी मोर, ए गंगा दुर्गा मेरा दास दासी है। प्रभु कहे आमा पूजो हामी दिव्यो भव, प्रभु कह रहे कि हमको पूजा करो, हम दे देंगे। कोई समझता नहीं, माया देवी के द्वारा सब विमोहित है। निमाई, ऐसा मत करो, आप गांव का भाई हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन वो जानते नहीं कि निमाई ठीक बोल रहा है। तो ऐसा करके भगवान कह रहे कि हम तो, और कोई अगर पूजा का सामान लेके भगा तुम अब तैने नहीं दी तो तेरा बूढ़ा बूढ़ा स्वामी मिलेगो, बूढ़ा भरता और साथ साथ सतीन है नो, जा हमको देने का दर के चाल कला सब लेके भाग। और तो भर के डर के मारे फिर आगे आगे जाके खोल दिया है, खा खाओ खाओ आप ही खाओ। कौन जाने देवता का आवेश हुआ कि कौन हुआ, निमाय कर रहे हैं कि आपका बूढ़ा भरता बूढ़ा स्वामी मिलेगो। अरे बाबा, और जो लोग चाल कला सब महाप्रभु को दे दिया, बोले जाओ अच्छा समय मिले, बहुत सुंदर। ऐसा करके महाप्रभु आशीर्वाद दिया। प्रभु कहे गंगा दुर्गा दासी मोर महेश किंगौर, गंगा दुर्गा दासी मोर महेश किंगौर। प्रभु कहे आमा पूजो आमी दीबो बर, हमको पूजा करो हम बर दे देंगे, ऐसे कौन सी बात है। तो यहाँ ऐसा ही है, भगवान ने कहा जे ये लोग लभते चौतः कामान, ये जो कामना वासनाएं हैं इसका पूर्ति हो जाए। और कैसे पूर्ति हो, बजे लवते च ततः कामान मयोइव विहितानो इतानो तानो, अर्थात तो कामना वासना का वस्तु जो है मैं ग्रैंड किया, ग्रैंड मास्टर ग्रैंड किया। और इसका साथ साथ भगवान ने ये पोल पट्टी खोल दिया। तो पूजा तो ये कर रहा है कि मेरा ही अंत बंतु फलम तेषाम तद भवती अल्पमेधसाम देवानो देव जजो जानती मद भक्तो जानती माम ओपी। आई बात समझ में? भगवान ने कह दी कि देखो ये जो फल मिलता है, रिजल्ट, ये जो व्रत आदि करके जो चाहता है ये सुख शांति दे दो, ये तन का कष्ट मिटा दो, ये सब जो दो पल भर का जिंदगी है इसी में ये लोग ये सब मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं। ऐसा माफी, लेकिन भगवान ने कह दी कि ये अंतबंतु फलम तेषाम, जो भी तुमको बर मिला, जो भी तुमको वस्तु मिला व्रत करके, वो ज़्यादा दिन रहने वाला नहीं है, ये समझ लो। ये ज़्यादा दिन रहने वाला नहीं, कहाँ तो संभालोगे, कहाँ तो। भक्तिमोहन ठाकुर जी ने कीर्तन में सुंदर, कोई कीर्तन नहीं करना चाहता, समय खराब हो, टीवी देखो बैठ के पागलपंथी। भक्तिमोहन ठाकुर जी ने कीर्तन में लिखा सुंदर, जहाँ राखी बारे चाहे तहाँ नहीं थाके भाई अनित्य अविनश्वर संसार। भक्तिमोहन ठाकुर लिखा, जहाँ राखी बारे चाहे तहाँ नहीं थाके भाई, जो संभालना चाहता वो जो रहता नहीं, शरीर को संभालना चाहता वो टूट जाता है, इतना संपत्ति खो जाता है, लड़ाई लग जाता है आदमियों में बीच में। सो भगवान सावधान कर दिया, देखो जो फल तुमको मिला है देवता लोगों को अर्चन करके, ये तुमको तो वो सब दे दिया। एक उदाहरण समझ लो, ये देवता लोग सब दे देता है, लेकिन तुम्हारा आगे चलकर क्या नतीजा होगी इसका बारे में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अरे तू तैने मांगा मैं दे दिया, तैने मांगा मैंने दे दिया, और क्या होना है नहीं है तो तू समझ ले, ये मेरा काम नहीं है। तू मांगा है हमने दे दिया, ऐ हमको बर दे दो, ऐ ऐसा दे दो, ऐसा कर दो, अरे मर, अब क्या करे। और एक उदाहरण मिसाल दे दे अच्छा है। एक बच्चा है, वो 8 साल का बच्चा है, बार बार कह रहे हैं कि हम पटका फुटाएंगे, पटका जन दो काली पूजा डूम डाम फाटता है ना, तो बार बार कह रहे हैं। तो पिताजी ने कह दिया देखो आप तू बच्चा है, ये सब करने जाए तो एक्सीडेंट हो सकता है, बार बार रो रहे हैं। और बोले माता जी, बोले देओ ना, क्या है तुम्हारा पैसा का थोड़ा ये देओ, थोड़ा चाहता है कि बच्चा तो खेलेगा ही, दे दिया, लाके खरीद के दे दिया 100, 200, 500 रुपये का पटका ले। और कौन इतना, जो तकदीर में है तो वही करेगा ना। मैं मेरा अपना जिंदगी में देखा, मैं अपना जिंदगी में देखा, एक आदमी हंसते हंसते गंगा पार करता था, तब का गंगा तो बहुत चौड़ा और कारण भी, अब तो धीरे धीरे कैसा कैसा हो रहा है, हंसते हंसते गंगा पार हो जाता है, इतना वो विनर है, प्राइज विनर। तो हमने खड़ा होकर देख रहे हैं काली पूजा का टाइम में, शहर का बात है, वो सब लड़का लोग सब, और वो भी क्या कर रहे हैं, ये वो जो चॉकलेट बम है वो फुटा रहे हैं, बम बम अपना हाथ में बनाया, और एक पटका जो है आंखों का सामने देखा हुआ घटना एक पटका जो है आग लगा दिया। पहले वाला जो शुरुआत किया वो चलता नहीं, क्या हो गया? वो बोले अरे कंपटीशन होने वाला है, हमारा पटका है वो तो एक नंबर है, पटका का कंपटीशन, किसका बनाया हुआ पटका है, किसका बनाया हुआ तुबड़ी है, वो कितना ऊपर जा सकता है, कितना टाइम तक रह सकता है, ये सब कंपटीशन, ये सब कंपटीशन जगत में। तो उन्होंने क्या किया, बोले जल क्यों नहीं रहा, जलना चाहिए, मैंने जैसे बनाया। वो क्या किया, अपना हाथ में उठाकर फूंक दे रहा है, फूंक कर रहा है ऐसा कर, बस हो गया, हाथ में डूम, तुरंत एकदम महाराज, एकदम हाथ का एक प्लाम जो है, पूरा अंगुली जो है, जैसे अंगूर है ना, अंगूर, अंगूर का बिखरा हुआ है चारों, एकदम उठा के हॉस्पिटल लेके गया, आंखों का सामने देखे। इतना सुंदर नौजवान है लड़का, पूरा एकदम पूरा जिंदगी भर के लिए डिफेक्टिव हो गया, जा हो गया। ये माया देवी का पनिशमेंट है, ऐसा है, बहुत सारे उदाहरण है। एक लड़का स्कूल फाइनल पास किया, फर्स्ट डिवीजन आया, बहुत सुंदर रिजल्ट, बार बार पिताजी को कहा तुम्हारा स्कूटी दे दो, मैं थोड़ा दोस्तों के साथ में, नहीं तू जलाना नहीं जानता, नहीं दे दो थोड़ा। माता जी का क्यों, क्या हुआ, तुम्हारा खा जाएगा क्या, दो ना, हमें यहाँ लोगों का तो यही है, दे दिया। स्कूटी लेके एकदम भगा, फन करके क्या जैसा चूल्हों का काटिंग है वर्तमान युग में, हमको तो थुक्कार लगता है, ऐसा ही बिहेवियर है, देखने में भी ऐसा है, सुंदर है, ऐसा ही है। उस दिन गंगा पार कर रहा था, जाने के लिए तो सेवा था, हरि कथा या कंप्यूटर का काम, एक नौ वो एक टीम है, वो एकदम पूरा एकदम जो क्या है बॉक्स लेके उठा, और इतना घटिया गाना है वो चला दिया। हमने खड़ा है उधर, क्या करे, ये कुत्ता बिल्ली के साथ लड़ाई करने क्या है, चुपचाप रह गया। पार हुआ तो तरुण कृष्ण आया मेरे को लेने के लिए, हम बोला देखो ये सब जो प्रिपरेशन लेके ये बेस्सा का घर में जाना चाहिए, ये लोग आ रहा है गौरंग महाप्रभु का धाम पे, अब हमारा धाम का सिचुएशन क्या है, आके देख के जाओ, हमारा धाम का सिचुएशन क्या है, आप देख के जाओ, भक्तों लोग क्या कर रहा है, होटल वाले क्या कर रहा है, पुलिस लोग क्या कर रहा है, ये मेरा कॉन्शियसनेस, इस स्थिति में हरिभजन बनना है, उतना इजी नहीं है। तो मैया का कहने से दे दी पिताजी, और स्कूटी लेके भंग से गया एकदम हाई रोड में, बस लॉरी मार दिया एकदम खत्म। अभी आनंद का बाढ़ है, मिठाई का बाढ़ है, अब आंसुओं का बाढ़ है, ऐसा स्थिति है जड़ जगत का। ये अनस्टेबिलिटी अगर समझ में आया, अभी अनस्टेबिलिटी अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो हरिभजन नहीं होनी चाहिए, होगा नहीं, कैसे होगा। तो अंतबंतु फलम तेषाम, ये अंतबत्तु ये फल का परिसमाप्ति है, ये स्टार्टिंग है, ये एंड है। जे ही संस्पर्शजा भोगः दुक्ष जने युवते आद्यंत बंतु कंत्यो नौतेषु रमते बुधः। आदि अंत बंतु, ये स्टार्टिंग है, ये शेष है। एंजॉयमेंट तो जरूर है, अगर एंजॉयमेंट नहीं है तो लड़का लड़की सब आदमी बूढ़ा बूढ़ी सब क्यों दौड़ रहे, आनंद तो जरूर है, लेकिन ये मटेरियल एंजॉयमेंट है और इसका ड्यूरेशन बहुत थोड़ी सी समय तक है, ये समझ नहीं पाते, ये माया देवी का मैजिक स्पेल है। अंत बंतु फलम तेषाम तद्भवति अल्पमेधसाम, और ये भगवान ने सर्टिफिकेट दे दिया, ये लोगों का अकलमंदी है, बुद्धि कम है। तद भवती अल्पमेधसाम, ये लोगों का बुद्धि बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है विचार, इसलिए ये 2 दिन का जो खिलौना है ये लेके आनंद में उछल पड़े। और ये जान के रखना अर्जुन, ये समझ के रखना कि देवानो देवो जजो जानती, देवता का पास जाता है देव जजना करने वाले, देव का जजन करने वाले देवता का घर में जाता है। और जानती मदभक्ता जानती मामोफी, और मेरा चाहने वाले जो है वो मेरा पास ही आता है। मेरा चाहने वाले जो हैं, मेरा भजन करने वाले, मेरा पूजन मेरा पास ही आता है। अर्जुन ये समझ के रख देना, समझ लेना। उसका बाद अगले श्लोक में भगवान सुंदर बताएं कि देखो 24 नंबर में अव्यक्तम व्यक्तिमापन्यम मन्नन्ते माम अबुद्धयो परम भावम मजानन्तो ममाभयम अनुत्तमम। मैं जो कभी दृश्यमान होता हूँ, जोगमया समावृत रहता हूँ, कभी कभी प्रकाशित हो जाता हूँ। जब भगवान का सब प्रकाशत शक्ति का भरपूर प्रकाश होता है तो चापाल गोपाल जैसा बदमाश है वो भी देखता है गौरहरि नहाने के लिए जा रहा है गंगा। ऐसे तो भगवान दृश्यमान नहीं होते, ऐसे तो भगवान दृष्टिगोचर नहीं होते। नारद जी के बारे में उसका सिद्धोदशा अगले जन्म में हुआ ना, उसी जन्म में नारद जी का जो पहला जन्म का कहानी है, वहाँ भगवान आकाशवाणी किए कि देखो जो लोग का भजन परिपुष्टि नहीं भई, सदगुरु का कृपा नहीं भई, वो लोगों का लिए मेरा दर्शन दुर्दर्श अहम कुजोगी नाम। कुजोगी मतलब जो भगवान का साथ जोग युक्त तो होना चाहता है, लेकिन वो कु अर्थात खराब है, कंटामिनेटेड। जैसे कि माया का साथ भगवान आ जाओ मेरा पास, थोड़ा माया का मिलावटी लगा के आ जाओ, नहीं तो मैं तुमको देख सकूं कैसे, समझ सकूं कैसे। भगवान माया मिलाकर कभी नहीं आएंगे, आ सकता है। दुर्दशो हम कुजोगी नाम, कुजोगी के लिए मैं दुर्दर्श हूँ, कोई मेरे को देख नहीं सकता। लेकिन जब भगवान प्रकट लीला करते हैं उस समय अक्सर देखा चापाल गोपाल जैसा वो भी देख रहा है, बहुत बदमाश जो है काजी भी देख रहा है, सब कोई देख रहा है। ये भगवान का विशेष विषय है। भगवान का सब प्रकाश सता शक्ति भगवान के इच्छा का अनुसार तब प्रकट करते। लेकिन चापाल गोपाल अगर देख भी लिया, हिसाब करो, विचार करो, हिसाब करो तो ये दर्शन ही नहीं है, क्योंकि मटेरियल दर्शन है। जैसा सर्वम वटे जो महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य को देख रहा है, फिर भी वो समझ नहीं पाते भगवान है। जब बनुई गोपीनाथ आचार्य जो बताया, अरे कहाँ से बोला आपने ये भगवान है, धत ये भगवान कैसे है, एक भगवान कैसे है, ये कैसे बता दिया आप फालतू बातें। सर्वमवर्ण कह रहे, इतना शास्त्रों मुखस्त कर लिया, लेकिन कह रहे कि भगवान के क्या प्रमाण है, ये भगवान है कलिकाल में कोई भगवान का अवतार नहीं है। गोपीनाथ आचार्य जो दुखी होके कह दी, ये देखो ईश्वरेर कृपाले हयतो जाहारे सेई तो ईश्वर तत्व जानिबारे पारे। गोपीनाथ आचार्य बनुई बताए जे ईश्वरेर कृपाले हयतो जाहारे, जिसका ऊपर भगवान का कृपा बन जाता, ईश्वरेर कृपाले हयतो जाहारे सेई तो ईश्वर तत्व जानिबारे पारे। वो बंदा भगवान को जान सकता है और कोई नहीं। भगवान का इच्छा हो तो सात संप्रदाय में नृत्य कर रहा है भगवान, ये दर्शन सर्वमोटे जजु का दर्शन हुआ ना, काशीमेशु का दर्शन हुआ तो दर्शन कैसे, भगवान का इच्छा। बाकी लोगों का दर्शन नहीं हुआ, एक ही जगह दर्शन हुआ, महाप्रभु नृत्य कर रहा है। बाकी सात संप्रदाय में एट ए टाइम महाप्रभु नृत्य कर रहे, ये दर्शन तो सिर्फ दो तीन आदमी के लिए हुआ था, ये भगवान का इच्छा। तो ये जो है भगवान कह रहे कि जोगमाया समावृत रहता हूँ मैं, कभी कभी अगर प्रकट विहार करता हूँ जन्म लेके, जैसे नंदों के लाला या तो कौशल्य नंदन या तो अदिति नंदन को भी हो जाओ, होने से क्या है, वो तो काल का लड़का है पैदा हुआ, एक काल का लड़का है पैदा हुआ, वो क्या जानता है, कृष्ण क्या जाने, काल का लड़का है बकवास, गाली दे रहा है, इंद्र गाली दे रहा है, कृष्ण मर्तम उपाश्रित, कृष्ण मर्त है, ये जड़ जगत का लड़का है, इसको आश्रय करके ब्रजवासी चक्रूर में अप्रियम, चक्रूर में अप्रियम, ये मेरा खराब किया, पूजा बंद कर दिया है, इतना साहस है, बंद कर दिया, काल का लड़का है कृष्ण है, काल का ही तो है, काल का ही तो है, ठीक ही बताया, काल जिसका चरण का नीचे रहता है तो काल, काल का ही तो है, काल जिसका कथा सुनता है, काल जिसका डर के मारे काल का विक्रम दिखा रहा है तो काल ही है, काल का लड़का ही तो है, और क्या। ऐसा करके अव्यक्तम व्यक्तिमापन्यम मनन्ते माम अबोधयो, अव्यक्त अवस्था थे व्यक्ति रूप, अत व्यक्त मतलब प्रकाशित हो जाता हूँ मेरा स्वरूप को, तो ये लोग सता सोचता है कि मनन्ते माम अबोधयो, ये अल्प बुद्धि वाले अकलमंदी ये सोचते ये मेरा परम भावम, परम भावम मजानंतो, मेरा जो परम भाव, मैं जो परात्पर अखिलेश्वर हूँ, सर्वेश्वर हूँ, हैं, ये समझ नहीं पाते। परम भावम अजानंतो मम अव्ययम अनुत्तमम, मैं जो अव्यय हूँ, अक्षय अमर हूँ, नित्य अमृतमय पुरुष हूँ, ये समझ नहीं पाते। ये लोग सोचते हे काल का लड़का है तो मर जाएंगे, हमारा माफी। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्यम मनन्ते माम अबुद्धयो परम भावम अजानंतो ममाव्ययम अनुत्तमम, ये सोचता है बेकार, ये क्या है, कुछ नहीं है। ऐसा करके ये लोग उल्टा समझता है। भगवान कह रहे कि ये मैं तो अव्यक्त रहता हूँ, अव्यक्त प्रपंचातीत, और माम व्यक्तिं मनुष्यम, जब हम मत्सो कुर्मो बराहो, वामन देव, नृसिंहदेव, रामचंद्र, बलराम कृष्ण, ऐसा करके ऐसा रूप पकड़ के मैं आ जाता ही जगत में, तो कोई नहीं समझ पाता कि ये मैं परम भाव, ये मैं परमेश्वर हूँ, परात्पर अखिलेश्वर हूँ, ये समझ नहीं पाते अल्प बुद्धि व्यक्तिगण। ये तो याद है आपको, ये जो भगवान अव्यक्त निर्विशेष निर्विकार लीलावशे, लीला के कारण ये भगवान व्यक्त भी हो सकता है। जो भगवान अव्यक्त रहते हैं बाहरी दृष्टि में, निर्विशेष भाव को रखते हैं, प्रकाशित करते हैं, निर्विकार रहते हैं, कोई रिएक्शन नहीं होता उसके ऊपर, और वो लीला के खातिर भगवान अपना नित्य स्वरूप को इधर प्रकट भी कर देता है जगत में। लेकिन भगवान वदंती तत्तत्वीदम सत्यम ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे। भगवान आदि पुरुष है, आदि पुरुष भगवान है, ब्रह्मो परमात्मा ये सब तो भगवान का आंशिक प्रकाश, कुछ नहीं है। और भागवत जी में ऐसा है, भगवान ये जो पश्चिमे योगमेश्वरम इत्यादि श्लोकों का प्रकाश भी किया बहुत जगह, भागवत जी श्रीमद् भागवत गीता में पश्चिमे योगमेश्वरम इत्यादि, गीता का 9 अध्याय 5 श्लोक, 11 अध्याय 8 श्लोक, 10 अध्याय 7 श्लोक और 7 अध्याय का 25 श्लोक, सब जगह ऐसा बात कहे पश्चिमे योगमेश्वरम। श्रीमद् भागवत में, श्रीमद् भागवत जी महापुराण में अवतार स्वरूप क्या है, इसका बारे में सुखदेव जी ने बताया है। सुखदेव जी महाराज भागवत जी महापुराण के 10वें स्कंद में 14 नंबर अध्याय में 45 नंबर श्लोक में बताया, कृष्णम मेनम मबेही अबेही जिसको बोलता है, कृष्णम एनम मबेही तमात्मानम अखिलात्मनम जगत हितायो सो ओपियात्रो देही इव भाति माया मायाया। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, हे राजन, यही कृष्ण अखिल आत्मा का आत्मा है, घट घट में बैठा हुआ है, और ये जगत हित के लिए, जगत हित के कारण निमित्त माया के द्वारा पृथ्वी में अपना नित्य स्वरूप को प्रकट किए हैं। और भगवत जी महाप्रभु जी ने भी ये श्लोक को उठाया सर्वमोटे जजों के सामने, एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये श्लोक सबको ही को मालूम है, सबको को जानकारी है ना इस श्लोक के बारे में। क्या कहा भगवान भागवत जी महापुराण में, पहले एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, अर्थात कृष्णो अवतार लेने से भी स्वयं अवतारी है, कृष्ण कोई अवतार नहीं है। जिससे सारे दुनिया का अवतार आता है यो अवतारी है। इसीलिए ब्रह्म संहिता में बताया ना, काल शिव जी महाराज का जो तिथि है, शिवरात्रि का तिथि में ये चर्चा कर रहा था। तो एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान स्वयं है। और बाकी जो है एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं अवतारी है। ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, ईश्वरः सर्व परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण, ये सोचना चाहिए। जब भगवान अवतार लेके आविर्भाव होते हैं ना, तो आम आदमी पहचान नहीं पाते। जैसे मुरारी गुप्त के बारे में भी है, बहुत सारे मुरारी गुप्त कर्चा में है और बहुत जगह है प्रमाण। जो मुरारी गुप्त इच्छा करके, मुरारी गुप्त स्वयं हनुमान जी महाराज इच्छा करके योग वैशिष्ट पढ़ने का अभिनय किया, और महाप्रभु जी ने इच्छा करके उसका पीछे लग गया। जब योग वैशिष्ट का कोई व्याख्या कर रहा है मुरारी गुप्त तो किसी आदमी का सामने, किसी लड़का का सामने, तो महाप्रभु नंगा धरंगा पीछे जा रहा है, बच्चा है, और मुरारी जैसे इससे समझा रहा है वो भी ऐसे ऐसे मिमिक कर रहा है। मेरा निमाई किताब में ये छप दिया, निमाय किताब हिंदी में हो तो समझ जाएगा, हंसते हंसते लुटपुट हो जाओगे, इतना सुंदर किताब है। गौड़ियों में प्रभुपाद का अप्रूवल है, बहुत सुंदर। जो सब लीला चैतन्य भागवत चैतन्य चरितामृत में नहीं है, मुरारी का कर्चा ये सब जगह से संगो करके बनाया सुंदर। तो महाप्रभु इसको मजाक कर रहे, मुरारी समझा रहे भगवान ऐसा है, भगवान ऐसा है, निर्विशेष ऐ दो तुम्हारा वैशिष्ट जोगो वैशिष्ट। और महाप्रभु इसको, इसका पीछे थोड़ा मजा कर रहा है, और वो गुस्सा हो जाता है। ये समझ में नहीं आता भगवान का माया ऐसा है। मुरारी तो इच्छा करके लीला किया जोग वशिष्ठ पाठ करने का, उसका बाद में समझ में आया ये परात्पर अखिलेश्वर भगवान है। पहले तो सोचा एक नंगा लड़का है जगन्नाथ मिश्र का, मेरा पीछे क्या कर रहा है, मेरा पीछे मजा कर रहा है, डांट रहा है। लेकिन बाद में पता चला ये बच्चा नहीं है, एक दिन मुरारी गुप्त खा रहा था, भोजन कर रहा था। भगवान में उतना विश्वास नहीं दिखाया इच्छा करके, सर्वमोटे जो भी भगवान में विश्वास नहीं दिखाया, मुरारी गुप्त भी इच्छा करके लीला। और एक दिन मुरारी गुप्त का घर में महाप्रभु बच्चा पहुंच गया और मुरारी गुप्त का ध्यान नहीं है कि बच्चा पहुंच गया। मुरारी गुप्त खा रहा है और नजर है भोजन का दिखे, और महाप्रभु नंगा धरंगा और पेशाब कर दिया पूरा ऊपर। अरे क्या कर रहा है मुरारी, मेरा बात सुन ले, जो भगवान को नहीं मानता वो पेशाब कर देता हूं मैं, ऐसा करके। बाद में पता चला ये साक्षात भगवान है, उदमबाजी नहीं है, ये भगवान है लीला। हाँ, मेरा किताब में है, बहुत सुंदर। तो एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, सारे जो है अतः श्री कृष्ण अवतार होने से भी स्वयं अवतारी, स्वयं ईश्वर परमेश्वर। किंतु जब अवतार बन के आता है तो आम आदमी डेमोनिक कैरेक्टर जो है ये लोग समझ नहीं पाते। जैसे कृष्ण भगवान आया, कितना गाली दिया शिशुपाल, कितना गाली दिया, कौन समझ पाया? पितामह भीष्म समझ पाया ये भगवान है, पितामह भीष्म समझ पाया, लेकिन बाकी आदमी सब समझ नहीं पाया। हर आदमी का बस का कम नहीं था, समझा नहीं ये भगवान है, समझा नहीं। कोई गाली दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जरासंधर कह रहे तो का पुरुष है, कायर है, तो भागा था। भगवान सुन रहे हैं, ऐसा ही है। लेकिन पितामह विश्व समझ गया ये बच्चा नहीं है, ये भगवान है, ये काल का बच्चा नहीं है, ये भगवान है। क्योंकि पितामह विश्व भक्त चा ज्ञानांजन स्फुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादिपुरुषम तमाम भजामि। ये गोविंद को भजना करे जो जिसको प्रेम रूप अंजन काजल के द्वारा विभूषित होकर भगवान का स्वरूप का दर्शन करते रहते हैं। ये इसको मैं बलिहारी जाऊं, जो दर्शन करते रहते हैं। प्रेम के अंजन है, काजल है, जिसके द्वारा विभूषित होकर वो भगवान का स्वरूप का दर्शन करे। जंग श्याम सुंदरम मचिंत गुण सर्वम है, ये इसको मैं बलिहारी जाता हूँ। और 25 नंबर पे भगवान ये खुलासा कर दिया कि अर्जुन देखो, ना हम प्रकाशः सर्वस्व जोगमया समावृता। ये बात खुलासा कर दिया भगवान कि हम हर कोई के सामने प्रकाशित नहीं होता हूँ। ना हम प्रकाशः सर्वस्य, ना हम प्रकाशः सर्वस्य जोगमया समावृता। मूढ़ो अयम नाभिजानन्ति लोको मम अजम अव्ययम। मैं जो अजर अमर हूँ, अव्यय पुरुष हूँ, मैं अमृतमय पुरुष हूँ, कोई जानना है तो मूढ़ो अयम। ये लोग मूढ़ो मूर्ख है, जान नहीं पाता, नाभिजानन्ति, ये जान नहीं पाता मेरा स्वरूप। पितामह विष्णु जान लिया, लेकिन कहाँ शिशुपाल तो शिशुपाल का समझ में नहीं आया। दुर्योधन थोड़ा समझा, अंध धृतराष्ट्र थोड़ा समझा, कर्ण थोड़ा समझा, लेकिन पक्का समझा कौन पितामह विष्णु है। पितामह विष्णु एकदम पक्का, उसको ईश्वर बोल के जानते थे। लेकिन उल्टा शिशुपाल जो है गाली देते थे, ये सोचते थे कि ये आदमी है, कुछ नहीं है, ये आदमी का शरीर कुछ नहीं है भगवान, यही असुरत्व है। इसी को बोला जाता है असुरत्व। जब भगवान को आदमी मानता है, भगवान को कुछ नहीं मानता, परवाह नहीं करता, ये जो है ये असुर भाव, भगवान का स्वरूप को नहीं मानना। जब राजसूय यज्ञ हुआ था, याद है ना आपको, क्योंकि आप लोग टीवी में महाभारत देखते हो, मैं जानता हूँ। प्रभुपाद भक्तिमंडल कभी इसका अनुमोदन नहीं करे, हम भी नहीं करता हूँ, लेकिन आप तो देखते ही रहते हो, मैं जानता हूँ। अरे क्या है महाराज, भक्ति है, छाई है, कुछ नहीं है, भक्ति है, सब नाटकबाजी। रियलाइजेशन इसमें नहीं होता, हरि कथा में आता है। ये अपना इंद्रिय तर्पण है, ये आपका सेंसुअल एंजॉयमेंट है और कुछ नहीं है। किसी व्यक्ति ने बोला महाराज हम धाम में जाओ पूरी, हम जा मरने जा तू हैं, लाखों रुपया खर्चा करके घूम के आ जा छागल। इसका धाम दर्शन मतलब एंजॉयमेंट, ये तो भगवान का धाम कैसे दर्शन करे, वो दर्शन नहीं कर पाएगा, एंजॉयमेंट है चाहे तो लाखों रुपया खर्चा करके आ जाए। ये तो हमारा मापिक नहीं जाएगा ना, वो जाएगा लाखों रुपया खर्चा करके आएगा धाम, और सेवा में नहीं लगाएगा कुछ, अपना लिए लगाएगा। सो ये शिशुपाल जो है बचपन से गाली दे रहा है। शिशुपाल इसको मर्तो मनुष्य समझता था। राष्ट्रीय यज्ञों के समय जब नकुल या तो सहदेव दोनों में एक बताया था कि कृष्ण का किसका पूजा आगे होनी चाहिए, पितामह भीष्म ही बताया इसका पूजा आगे होना चाहिए, और बच्चा जो है वो नकुल सहदेव जो है सबसे छोटा ये भी बताया भगवान कृष्ण का ही अर्चन होना चाहिए पहले, पहला पूजा। तो शिशुपाल सुन के जल के एकदम जल उठा। शिशुपाल ये प्रस्ताव सुनकर जल उठा, ये गुस्से में आकर गाली देना शुरू कर दिया। पितामह विश्व वाला देखो, पितामह विश्वदेव प्रस्ताव कर रहे, शिशुपाल क्रुद्ध होकर गाली देना शुरू कर दिया। गाली देके बोल रहा था बाला जूयम न जनिधम धर्मो सूक्ष्मो ही पांडवा, हे पांडव लोग तुम लोग बच्चा हो, धर्म क्या है अधर्म जानते नहीं हो। बालाजुयम न जनिध्वम धर्म सूक्ष्मो ही पांडव अहम च श्रित्वातिक्रांतो ही आप वर्गयो अल्पदर्शीण। वह पांडवगण उन लोग बच्चा हो, मासूम हो, कुछ जानते नहीं हो धर्म क्या है अधर्म क्या है, धर्म का सूक्ष्म स्वरूप जानते नहीं हो, ये अल्प बुद्धि गंगा पुत्र भीष्म, इसका दिमाग खराब हो गया, ये अल्प बुद्धि वाले हैं, ये पितामह भीष्म दिमाग खराब हो गया, ये तो नदी पुत्र है, गंगा नदी का पुत्र है, ये अल्प बुद्धि वाले, बुद्धि खराब हो गया, इसका दिमाग खराब हो गया, ये सब गाली देना शुरू कर दिए। जब गाली देना शुरू कर दिया तो कृष्ण देखते रह गए, कुछ नहीं बोले, कि भगवान का कुछ आता जाता नहीं। वैष्णव लोगों का अर्चन करो, प्रणामी दो, नहीं दो नहीं दो, दो कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो सम्मान दो तो भी ठीक है, नहीं दो नहीं ठीक है, फिर भी तुम्हारा इच्छा ही, तुम्हारा तकदीर अच्छा है तो आगे आओ, नहीं अच्छा है तो मर के रहो, हम क्या करें। इसी प्रकार शिशुपाल पांडवगण आप भीष्म पितामह से लेकर सबको को गाली देना शुरू कर, कृष्ण को भी गाली दिया, कितनों कृष्ण को भी गाली देना शुरू कर दिया, वे बेकार है, बेजन्मा है, जन्म का ठीक नहीं है तेरा, ऐसे। और पितामह भीष्म खड़ा होकर बहुत शांत दिमाग से धीर विचार बनाया, पितामह भीष्म ने धीर विचार बनाया सुंदर, और पितामह भीष्म सुधीर को वक्तृता दिया, प्रवचन दे दिया कृष्ण के बारे में, हे कृष्ण कौन है सुन लो, सुधीर को प्रवचन दे दिया। और ये साबित करना जरूरी है ये कृष्ण इसका जन्म है, कुल है, शील है, सम्मान, विद्या है, बुद्धि है, शौर्य वीर्य, ये अनोखा है, ये अनोखा है, मनुष्य जिंदगी में ये सब मिलता ही नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं बोलना शुरू कर दिया पितामह भीष्म, सिर्फ इतना ही नहीं, कृष्ण भगवान स्वयं भगवान है, कृष्ण स्वयं भगवान है, पितामह भीष्म सिर्फ इतना ही नहीं, भगवान पितामह विष्णु सिर्फ इतना ही नहीं बोलना शुरू कर दी कि ये स्वयं भगवान है, ये स्वयं भगवान है, जानते नहीं हो कौन है ये। कृष्ण एव ही लोकानुत्तम, क्या बताया, कृष्ण एव ही लोकानाम उत्पत्ति रूपी चाव्ययः, क्या बताया, कृष्ण एव ही लोकानाम उत्पत्ति रूपी अव्ययः कृष्णस्य हि कृते विश्वमिदं भूतं चराचरम अयंतु कृष्णो बालः शिशुपालो न बुद्धते सर्वत्र सर्वदा कृष्णम तस्माद् एव प्रभासते। ये महाभारत में है, महाभारत सभा पर्व में है 38 नंबर श्लोक। इस स्थले पितामह विष्णु बोल दिया है कृष्ण अव्यय अमर सनातन पुरुष है, ईश्वर कृष्ण ईश्वर है। हे अल्पबुद्धि शिशुपाल, इसको समझ नहीं पाया। हर जगह ये ऐसा निंदा ही करते रहते, गाली देते रहते हैं। ऐसा करके बताया कृष्ण एव ही लोकानाम उत्पत्ति रूपी अव्ययः लोकस्य हि कृते विश्वमिदं भूतं चराचरम अयंतु पुरुषो बालः शिशुपालो न बुद्धते सर्वतो सर्वदा कृष्णम तस्मात् एव प्रभासते। कृष्ण जन्म लिया है, दिखाई जाता, दिखाई पड़ता है कि कृष्ण जन्म लिया, लेकिन कान खोलकर सुनो, सुन लो, ये अव्यय है, अमर है, अमृतमय पुरुष है। गाली दे रहा है शिशुपाल, ये तो बच्चा है, कुछ जानता ही नहीं है इसका बारे में तत्व क्या है। हाय भगवान, ये साक्षात भगवान है, इसको गाली दे रहा है, हाय हाय। और कृष्णम बंदे जगत गुरुम, ये बात को भूलना नहीं है, कृष्णम बंदे जगत गुरुम, जगत का गुरु कृष्ण जगतेर बंधु। भक्तिमठ कीर्तन में लिखा है कृष्ण जगतेर बंधु कृष्ण वांछा कल्पतरु भवमूल नासिते चतुर। बहुत सुंदर सुंदर कीर्तन है, बहुत सुंदर सुंदर कीर्तन है। कीर्तन में भक्ति ठाकुर भगवान श्री कृष्ण का गौरंगों का तत्व खोल कर लिख दिया, इतना सुंदर। आह, कोई देखने वाला हो तो देख ले, अंधा हो तो कैसे देखे हैं। कितना सुंदर सुंदर कितना लिखा है भक्ति ठाकुर ने। तो ना हम प्रकाशः सर्वस्य, ये बात तो सभी सच्चा है। भगवान ने कह दी कि देखो नाहम प्रकाशः सर्वस्व योग मया समावृतः, हम सब कोई के सामने प्रकाशित नहीं होता, अपने को छुपा के रखते हैं। नाहम प्रकाशः सर्वस्व योग मया समावृतः मूढ़ो अयम, ये लोग मूर्ख है। मूढ़ो अयम ना भी जानाति, ये मेरे को जानता नहीं। लोको मम अजम अव्ययम, मेरे को अजर अमर अमृतमय पुरुष बोल के ये लोग जान नहीं पाता, ये लोग समझ नहीं पाता। ऐसा बुद्धि कम है, मैं अपने को छुपा के रखता हूँ। विशेष करके असुर लोगों का सामने मैं बिल्कुल प्रकाशित, शास्त्रों का रूप में भी प्रकाशित नहीं होता। शास्त्रों सुन ले फिर भी समझ नहीं पाता, असुर है ना। क्या कंस शास्त्रों नहीं सुना था, रावण नहीं सुना था क्या, सुन के भी समझ नहीं पाए, क्योंकि असुर है, राक्षस है। मैं जोग में समावृत रहता हूँ, इसलिए मेरे को जानता नहीं। अब ये विचार आता है जोग माया समावृतम, इसका थोड़ा चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि जोग जो है इसका खुलासा होनी चाहिए। जोग मतलब है, हम लोग सुना है, जोग का मतलब इजहार, अगर कोई कुछ नहीं बोले, खिप बोले जोग क्या है, जोग में एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन जोग करना है, ये तो खुला माने जोग है। आज शास्त्रों का विचार में ये अगर आएगा जोग माया जोगेश्वर, इसका माने क्या है? मतलब जोग मतलब टू गेट इन कनेक्शन, जोग जोग माया मतलब भगवान का अंतरंगा शक्ति, स्वरूप शक्ति भगवान का, जो भगवान को छुपा के रखता है और भगवान का इच्छा का मुताबिक किसी भक्तों को भगवान का साथ संयुक्त तो कर देने का काम करती है। भगवान का साथ यो व्यक्ति का संपर्क कर देने का विचार करती है। अर्थात जोग भगवान का साथ, ये जो भजन करने वाले का, पक्का भजन करने वाले का जोग सूत्र बना देता, जोगाजोग कर देता है। इसलिए जोग माँ कत्ता यानी महामाये महायोगे नदीश्वरी नंदोगुप सतम देवी पोतिम में कुरुते नमः, ये भागवत का है श्लोक है सुंदर। कत्तायनी देवी का अर्चन करके बोले कत्तायनी हे महामाये महाजोगी नदीश्वरी कृपा करके आप क्या करो, नंदो को पुसुतेन देवी पोते में कुरते नवा, भगवान नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण के साथ मेरा नाता जोड़ दो ठाकुर जी, मेरा नाता जोड़ दो कृपा करके। कत्तायनी महामाये महाजोगी नदीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पोती में कुरते नम, मैं चाहता हूँ कि नंदनंदन कृष्ण को अपना पति देवता का रूप में प्राप्ति करना चाहती हूँ। तो जोग समझा, जोग माया भी समझा, जोगेश्वर के ने जोगेश्वरेश्वर, जोगेश्वर महादेव को भी जोगेश्वर बोला जाए, ऐसा कोई हर्जा नहीं है कि गलती नहीं है। जोगेश्वर भगवान शंकर भी हो सकता, ये तो है जोगेश्वर है, लेकिन जोगेश्वरेश्वर मतलब तमाम योग का मास्टर है, जिससे सारे योग आया है, ये भगवान श्री कृष्ण है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। तो योग माया समझ में आया, और जोगेश्वर भगवान स्वयं है। ये योग शब्द जो है अमरकोश मेदिनी ये सब बड़ा बड़ा कोश है, कोश मतलब डिक्शनरी, अमरकोश है मेदिनी है, बड़ा बड़ा अमरकोश, तो बड़ा बड़ा एकदम, ये समझना मुश्किल है। एनसाइक्लोपीडिया, तमाम दुनिया का अर्थ इसमें लगा हुआ है। महाप्रभु जी ने भी जब आत्मा रामस्य मुनयो निर्गंधा गुरुक्रमे, आत्मा रामस्य मुनयो, मुनि शब्दों का कितना अर्थ है, आत्मा राम कितना अर्थ है, सारे अलग अलग करके महाप्रभु डिवीजन कर दिया। महाप्रभु कितना चतुर है, देखो आत्मा राम किस किस अर्थ है, आत्मा राम का सारे डिक्शनरी से, महाप्रभु तो स्वयं डिक्शनरी है, अनंत ब्रह्मांड का सारी खबर जानते हैं। तो अमरकोश का सारे विचार रख दिया पहले, और विचार करके बताया आत्माराम मतलब क्या है, चौ, चौ का मतलब क्या, आत्मा रामस चौ, चौ का क्या माने हैं, निर्गंथा का, निर्गंथा के माने क्या है, ओपी उसका माने क्या, उरुक्रम का माने क्या है, तमाम अलग अलग माने करके एक एक साथ आत्मा रामश्च मनो निर्गंथ्यामे कुरवंती अहेतु किं भक्तिम भूत गण हरि, तमाम अर्थ दिखा दिया 62 किस्म का, 62-64 किस्म का, बाप रे बाप भगवान। तो ये जो है, ये जोग शब्दों का अर्थ है अमरकोश में, डिक्शनरी में। ये तो मैंने व्याख्या जो करना कर दिया, अभी ये तो किताब का अर्थ है, जो डिक्शनरी कोशकार, कोशकार माने जिन्होंने अमरकोश बनाया, अमरकोश। ये जानकारी मैं दे रहा हूँ फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। ये अमरकोश जो है, ये बुद्ध देव का एक शिष्य बनाया था, बुद्ध देव का एक शिष्य अमर ये अमरकोश बनाया था शंकराचार्य जी ने। जब शंकराचार्य जी ने बुद्ध देव का जितना सारे किताब है सारे जला दिया था, बुद्ध देव का जितना सारे किताब है सारे जला दिया था शंकर, लेकिन अमरकोश को नहीं जलाया, क्योंकि अमरकोश एक संपत्ति है। अमरकोश में दुनिया में जितना सारे शब्द है सब शब्द को कैटेगोराइज किया गया वर्गो, जैसे मनुष्य वर्ग है, पेड़ पौधा का वर्ग है, पशु वर्ग है देवता वर्ग है, ऋषि वर्ग है, सब एक एक वर्गो मैंने कैटेगरी बनाया और सब एक एक करके चर्चा करके बताया। अरे अनोखा ग्रंथ है ये, सुदुर्लभ है, ये मनुष्य लोग के सुदुर्लभ है। देवता लोगों को भी बताओ ये भी बना पाए कि ना पाए ऐसा ग्रंथ तो अमरकोश है। ये जो लोग संस्कृत पढ़ता है उसको अमरकोश जरूरी है। तो अमरकोश में सारे शब्दों का जो विन्यास कर दिया, इसमें क्या बताया ये मैं बताना चाहूँ आप अभी। योग योग शब्दों के द्वारा योगः संहनन उपायो ध्यानो संगति युक्तिषु, अमरकोश में ये लिखा है। योगः ये शब्दों के योग योग संहनन उपाय ध्यान संगति और युक्तिषु, युक्तिषु प्लूरल नंबर, ये सब शब्दों में, ये सब शब्दों के द्वारा इतना सारे शब्दों के द्वारा ये जो शब्द है इसका खुलासा हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि कौन राइटर, कौन कथाकार किस कारण ये शब्दों को व्यवहार किया, इसका ऊपर एक एक करके मैं बताते चलूं। एक अर्थ है उपाय, इसका भी प्रमाण है शास्त्रों में। एक उपाय बता दिया। उपाय मतलब कौशल, उपाय का माने क्या है, उपाय का मतलब कौशल, उपाय का मतलब क्या है, उपाय का मतलब कौशल व साधन है। महाभारत में अलग अलग जगह में योग शब्दों का प्रयोग हुआ है, गीता में भी बहुत सारी जगह हम दिखाएंगे। जैसे मिसाल दे दिया, उदाहरण, द्रोणाचार्य बधेर उपाय, द्रोणाचार्यों को वध करना संभव नहीं है, कैसे वध करें, इस बारे में लिखा हुआ है महाभारत में। जे द्रोणाचार्यों का वध का उपाय क्या है, उपाय संबंध में लिखा हुआ है। एको ओपी जोग अश्व भवेद बदायो, एको ओपी जोग अश्व कश्यो, एको ओपी जोग अश्व कश्यो द्रोणाचार्यस्व भवेद बधायो, इसको वध करने के लिए एक ही उपाय है, एको ओपी, इसको वध करने के लिए एक ही उपाय बचा है। तो इधर देखो जोगो अश्व, ये जोग शब्द, ये उपाय, उपाय मतलब कौशल व साधन, और बधेर एकमात्र कौशल व उपाय। अच्छा, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, राजगुह योग, शब्द का योग शब्द अर्थ ईश्वर का साथ योग युक्त उपाय का रास्ता, मार्ग आई समझ में। गीता में भी बहुत स्थान ऐसा शब्द ये भगवान ने व्यवहार किया। वाक्य उद्देश्य क्या है, एक किस लिए भगवान व्यवहार किया, ये समझने से तब अर्थ जो है समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। क्या बोलना चाहा भगवान, क्या कथाकार और राइटर क्या बोलना चाहा, इसका ऊपर डिपेंड करता है ये जोग का क्या माने इधर बैठेगा। जैसे भगवान गीता में बताया, आपको याद है 2 नंबर अध्याय में 50 नंबर श्लोक, योगः कर्मसु कौशलम, याद है ना, हमने चर्चा किया था 2-4 महीना पहले। योगः कर्मसु कौशलम, योग कर्म का कौशल मात्र है, जो कर्म का कौशल है, योग का मतलब सारे क्रियाक्रम सब छोड़ के भागे जाओ जंगल में और निकम्मा बन के बैठ जाओ, ऐसा नहीं। योग कर्मसु कौशलम, इट्स वन काइंड ऑफ टेक्निक। बहुत सारे एक एक जगह एक एक अर्थ होता है। दूसरा जगह भगवान बताए योग कर्मसु कौशलम, ये बताया। दूसरा जगह गीता में बताया पश्चिमे योगमय स्वरम 9 नंबर अध्याय में 5 नंबर श्लोक, 10 नंबर अध्याय में 7 नंबर श्लोक, 11 नंबर 8 नंबर श्लोक पश्चिमे योगमय स्वरम ऐसा बताया। ये योग शब्द और तो क्या है ये समझना चाहिए। ऐसा मापिक क्या अर्थ बैठेगा ये डिपेंड करता है भगवान क्या बोलना चाह, राइटर क्या बोलना चाह। भगवान को जोगी, जोगेश्वर इत्यादि अलग अलग नाम पुकार के भगवान को पुकारा जाए तो इसमें कोई दोष नहीं है। बहुत सारे जगह जोग शब्द व्यवहार किया, लेकिन अगर डुबकी नहीं लगाए, अगर नीचे नहीं जाए, समझने का कोशिश न करे महाजनों का अनुगत्य में, और अर्थो हमारा अर्थो करना है मनमानी नहीं, हमारा अर्थो जो है अर्थो करना है मनमानी नहीं, अर्थो करना है मनमानी नहीं, अर्थो करना है महाजनों का अनुगत्य में, अर्थो करो महाजन अनुगत्य ऐसा लिखा है उपदेश। अर्थो करो हर वक्त शास्त्र का अर्थो निकालना है तो महाजनों का अनुगत्य में करना है, नहीं तो उल्टा रास्ता में चले जाओगे, समझ में नहीं आएगा। बहुत सारे अर्थ होता है। तो मैंने ये अर्थ थोड़ा बहुत चर्चा करने का सुयोग मिला तो कर दिया। ना हम प्रकाशः सर्वस्व जोगो माया समावृतः मोरो वयम ना भी जानाति लोको मम अजमव्ययम। मेरा जो अजर अमर शरीर है, अमृतमय पुरुष हूँ मैं, ये जान नहीं पाता। इतना अकलमंदी है, कम बुद्धि वाले हैं, क्या करूं, भगवान कह रहे हैं। आगे चलकर 26 नंबर श्लोक में भगवान बताए वेदाहम समिति तानी वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। वेदाहम समिति तानी वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। मेरे को कोई जान नहीं पाता। मैं वर्तमान जानता हूँ, भविष्य जानता हूँ और अतीत जानता हूँ। भविष्य में क्या होने वाला मैं जानता हूँ, भविष्य क्या है, वर्तमान जानता हूँ, अतीत क्या है। जब भविष्य में होने वाला चीज़ है, भगवान अर्जुन को दिखा दिया, तू युद्ध करने वाला कौन है, तू युद्ध करने वाला कौन, कैसे सोच लिया कि मैं युद्ध नहीं करूं, युद्ध करूं, क्या आता है, कैसे सोच लिया। निमित्त मात्र सब भव सभ्यसाचिन, निमित्त मात्र भव सभ्यसाचिन। हे सभ्यसाची, तुम इंस्ट्रूमेंट बन जाओ, सब मैं करता हूं, तुम निमित्त मात्र भव सभ्यसाचिन। हे सभ्यसाची, तुम निमित्त बन जाओ, तुम निमित्त बन जाओ, तुम युद्ध करने वाला नहीं हो। मैं करा रहा हूं तो इसलिए करवा रहा हूं, इसलिए कर रहे हो। निमित्त मात्र भव सभ्यसाचिन, तुम करने वाला कौन है। बाद में भगवान देखे अर्जुन विश्व रूप को देखना चाहा और पोल पट्टी खोल दिया, देख ले तू युद्ध करने वाला कौन है। जिसका साथ युद्ध करे, अरे पितामह भीष्म को कैसे तीर चलाएं, द्रोणाचार्य को, तू चलाने वाला कौन है, देख मार के रख दिया, सब देख पहले ही मार के रख दिया, तू मारने वाला कौन है, मैं मार के रख दिया, देख विश्व रूप में दिखा दिया। तो भगवान कह रहे हैं कि वेदाहम समिति तानी वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मान्तु वेद न कश्चन। मेरे को कोई जान नहीं पाता। मैं सबको वर्तमान, भूत, भविष्य, इन्फिनिटी पीरियड में क्या कुछ हुआ है सब मैं जानकारी हूं, मैं हूं, मैं साक्षी हूं। आई बात समझ में। और यहाँ भगवान उत्तर दे रहा है क्यों ये लोगों का कोई विचार क्यों नहीं बैठता, ये लोगों का क्यों नहीं अतीत वर्तमान भविष्य कुछ नहीं जानता, और अपना ही जन्म लेने का बाद सोचता है ये मेरा पिता माता, ये मेरा प्रॉपर्टी है, ये ना मेरा भाई बंधु है, ये मेरा दुश्मन है, ऐसा करके अपना जीवन जिंदगी को गंवा देता है। कोई दुश्मन नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, अपने आप का दुश्मन है। उद्धरेत आत्मनात्मनम नात्मन नहीं वावसादयत। ट्राई टू हेल्प योर सेल्फ। अंग्रेजी में एक कहावत है, गॉड हेल्प्स देम दोज हू हेल्प देम सेल्फ। सो वेदाहम समिति तानि वर्तमानानि चार्जुनो भविष्यानि च भूतानि मान्तु वेदो न क्वेश्चन। ये लोग जान नहीं पाते। क्यों नहीं जान पाता महाराज? भले इच्छा देशो समुत्थेनो द्वंदो मोहेनो भारतो सर्वो भूतानि सन्मोहम सर्गे जानति परन्तप। क्या बताया? इच्छा देशो समुत्थेनो द्वंदो मोहेनो भारतो सर्वभूतानि सन्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। भले इच्छा देशो समुत्थेन द्वंदो मोहेन भारत। अरे महाराज कैसे जाने? इस जन्म लेने का साथ साथ ही इच्छा देश समुत्थेन काम क्रोध लोभ मोह इच्छा देश इसका द्वारा विमोहित होके द्वंदो मोहेन भारत दे आर गोइंग टू पुट देमसेल्फ इन कॉन्फ्लिक्टिंग पोजीशन। भूतों का मालिक कॉन्फ्लिक्टिंग पोजीशन। इच्छा देश समुत्थे न पूर्व संस्कार का अनुसार पूर्व जन्म का संस्कार का अनुसार जो स्थिति बन गया जिस संसार में, हालांकि जिस संसार में पैदा हुआ उस संसार में ये समाज संसार में पाला पोषा है, पला बड़ा, बस उसी को अपनाया और उसको ये दुश्मन है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा ये है, वो मेरा ये, ऐसा करके संपत्ति है ये मेरा, बस अपने को घेर के रखा है। अपने को स्वयं माया के द्वारा घेर के रखा है। इच्छा देश समुत्थे नो द्वंद मोहेन भारत सर्वभूतानि सन्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। क्या करे? हे भरत वंशियो, हे परन्तप, सृष्टि काल में अतः स्थूल देह जब उत्पन्न होता है ये प्राणी सब, ये जितना प्राणीगण है तमाम प्राणी अपना राग देश जनितो सुख दुखादि द्वंदो मोह प्राप्त होके हतज्ञान हो जाता है कि याददाश्त नहीं रहता है। सो हमको जान नहीं पाता है। कैसे जानेगा बेचारा? कैसे जानना तो संभव नहीं है, मेरे को कैसे जानेगा? तो इसलिए लेकिन जो लोग का पाप कर्म क्षय हो गया, जेसाम तु अंतर्गतम पापम जनानम पुण्य कर्मानाम, जे लोगों का पाप क्षय हो गया, जे लोगों का जिंदगी में पाप क्षय हो गया, जेसाम तु अंतर्गतम पापम जनानम पुण्य कर्मनाम ते दंड मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ प्रता। लेकिन जिसका पाप कर्म निशेष हो गया, खत्म हो गया, ये पुण्य कर्मों के द्वारा जिसका पाप कर्म खत्म हो गया बिल्कुल, और जो द्वंद मोह जो सुख दुख द्वंदों का बाहर चला गया, निर्मुक्त होकर धीर व्यक्ति है, वो मेरे को जानता है, भजन करता है, मेरे को भजन कर लेता है। वो लोग भजनते माम दृढ़ प्रता, सुदृढ़ व्रतों के द्वारा मैं भजन कर लेंगे नंदनंदन भगवान, और किसी को नहीं करेंगे। मर मिट जाए फिर भी किसी को नहीं बुझेंगे, मेरा तो गिरधारी लाल दूसरा ना कोई, मीराबाई ने बताया। लेकिन अंतिम में नहीं मिला गिरिराज लाल, क्योंकि राधा रानी का अनुगत्य नहीं की, इसीलिए नहीं मिला। मैंने एक उदाहरण दे दिया, ऐसा नहीं, ये तो गौरिया मठ वाले हम तो नहीं देता ये सब उदाहरण, क्योंकि आदमी उल्टा समझेगा कि महाराज ये अप्रूव किया ये अप्रूव किया। अरे हमने जीसस का इसका बात उठाया था, किसी उसका कैसे कातिल किया था, अरे महाराज संग इंटरनेट में आ गया, महाराज ये सब अप्रूव किया, सब चलेगा। हमने उसका बाद हरिकथा बोला, कितना हरिकथा बोलना पड़ा, कितना खून देना पड़ा, इतना बदमाश है, सब उल्टा व्याख्या कर देगा, अपना सुविधा के अनुसार व्याख्या कर देगा, इतना बदमाश है, दुष्ट है। तो जैसाम तू अंतर्गतम पापम जनानम पुण्य कर्माणम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजनते माम दृढ़प्रता। जिसका पाप पूरा चला गया पुण्य कर्म के द्वारा और द्वंद्व मोह सुख दुख के अतीत हो गया, बाहर चला गया, द्वंद्व मोह निर्मुक्त मतलब द्वंद्व मोह से निर्मुक्त होने का मतलब प्रकृति का तीन गुणों का बाहर है, अतः प्रकृति का परे निर्गुण अवस्था। तो इस अवस्था में भजनते माम दृढ़व्रता, ये सब आदमी जो है ये मेरे को जान पाता है, दृढ़व्रत लेके मेरा भजन करते रहता है। जेसाम तु अंतर्गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। उसका बाद 29 नंबर श्लोक में जरा मरण मोक्षायो मामाश्रितो जतंति जे ते ब्रह्मो तद विदुहु कृष्णम आध्वात्वम कर्मो चाखीलम। क्या बताया? जे लोग हमें मुझमें चित्त समाहित तो करके जरा मरण भाव से मुक्त हो गया मुक्ति लाभ करने के लिए यत्न करता है, से सनातन ब्रह्मो ए तारा ये सनातन ब्रह्म समग्र आध्यात्म विषय एवं समस्त कर्म तत्व का बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वो लोग का स्थिति कैसा है, मैंने जरा मरण मोक्षायो मामाश्रितो यतन्ति ये, जरा मरण मोक्षायो मामाश्रितो जतन्ति जे ते ब्रह्मो तद विदुहु कृष्णम आध्वात्वम कर्मो चाखीलम। कर्म का रहस्य क्या है, ब्रह्म ज्ञान क्या चीज है, ब्रह्म वस्तु क्या है, सनातन वस्तु, समग्र आध्यात्मिक विषय में धीरे धीरे ये लोग जान पाता है, क्योंकि ये शांत धीरे धीरे इसको जानना, इसका लिए जानना आसान होता। जरा मरण मोक्षाय, जरा मरण का बाहर, जरा मरण से बाहर जाने के लिए, परे जाने के लिए जरा मरण मोक्षायो, जरा मरण से छुटकारा पाने के लिए माम आश्रित, हमको आश्रय करके जतंती ये बड़ा जत्न करता है, बड़ा केयरफुली भजन करता है, ते ब्रह्मो तद विदुहु, ये ब्रह्म वस्तु क्या है और ब्रह्म वस्तु रिलेटेड आध्यात्म जितना सारे ज्ञान है ये ज्ञानावली कृष्ण आध्यात्मो और कर्मों का जो रहस्य है, कर्मो चाखीलम, कर्म का रहस्य क्या है, इस सब बारे में इसको जानकारी हो पाता। बाकी आदमी तो जान नहीं पाते, बाकी आदमी का लिए ये जानना संभव नहीं है। 30 नंबर आगे चल के 30 नंबर श्लोक में भगवान बताया, देखो स्वाधी भूताधिदैवं मां स्वाधी यज्ञंच ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। क्या बताया? स्वाधी भूताधिदैवं मां स्वाधी यज्ञंच ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। क्या बताया? बोले महाराज आधिभूतो आधिदैवो क्या चीज है, आधिभूतो क्या चीज है, आधियोग्य क्या है, ये सब एकदम साइंटिफिक अर्थ इसका जिसको मालूम है। आई बात समझ गए? आधिभूत क्या चीज है, आधिदैवो क्या चीज है, आधियोग्य क्या है, ये सकल इस सब बारे में जे सब जिसका पूरा जानकारी है वो तो मालामाल हो जाएगा। आदिभूत हो, आदिदैव हो, आदियोग्य, ये सब सकल है ना, इसका बारे में जे लोग यह बताया जो लोग आदिभूतो आदिदैव आदियोग्य सहित टुगेदर विथ आदिभूतो आदियोग आदिदैव जो हमको जानकारी हमारा बारे में जानता है, जो जानकारी लेता है अर्थात मतलब यह है जो लोग आदिभूतो आदिदैव आदियोग्य का सहित जो लोग आदिभूतो आदिदैव आदियोगों का सहित हमको ये सकल विभिन्न विभाव सकल समग्र टोटली कंप्लीट हमको जानना चाहता है, जान पाता है वो सकल व्यक्ति, वो सब आदमी जो है मुझ में आसक्त चित्त होकर मौत का टाइम पे भी मेरे को याद करता है। मौत का टाइम पे मरने का समय में भगवान को याद करना कोई आसान बात नहीं है। मरण काले मरने का टाइम में मूर्छित अगर मूर्छित हो जाए, फेंट हो जाए, मरने का टाइम पे अगर मूर्छित भी हो जाए फिर भी अंतर में मेरा स्मृति रहता है। इसके द्वारा भगवान कहना चाहता है कि मेरा भक्त लोग जो है, मेरा भजन पूजन जो लोग करता है, मतलब ये है भगवान कहना चाहता है, तो मतलब ये है कि जो लोग हमारा भजन करना चाहता है जिस तरीका से हमने बताए, ये मरने के टाइम में भी वो याददाश्त उसका पूरा बने रहता है। मेरा भक्तों के लिए तो मुक्त हो जाना, भक्ति प्राप्त करना कोई मुश्किल नहीं है। साधी भूताधिदैवं माम स्वाधि यज्ञं च जीविदुः प्रयाण कालेऽपि च माम ते विदुर्युक्त चेतसः। ऐसा करके सुंदर बताएं कि देखो क्या रहस्य है। गीता ना समझे तो क्या समझे? कुछ समझेगा नहीं ना। गीता ना समझे तो कुछ समझेगा ही नहीं, कैसे समझेगा? गीता में बेसिक सब चीज़ है। अब जो श्लोक दे के मैंने शुरू किया था इसका बारे में थोड़ा व्याख्या करके आज का चर्चा समाप्त करने का इच्छा रखते हुए बता रहे हैं। नास्त धर्मे न वसु निचये नैव काम होगे, नास्त धर्मे न वसु निचये नैव काम होगे, यद भाव्यम तद भवतु भगवान पूर्व कर्मान रूपम एतत् पार्थम ममो बहुमतम जन्म जन्मांतरेऽपि तत्पादाम्बरूह जुगगता निश्चला भक्तिरस्तु। कौन बता रहे? बोले महाराज इसका साथ ताल्लुकात है, मैंने इसलिए चुन लिया इस श्लोक को आज। सुंदर, ये कुलशेखर जी महाभागवत कुलशेखर जी मुकुंदमाला सूत्र में बताया। कैसा सुंदर बताया देखो। भले भगवान मेरा नास्त धर्म में, समाज का आदमी जो जनरल धर्म में आत्मधर्म नहीं है, समाज का आदमी जो संसार धर्मों लोक धर्मों आदि जो धर्मों में आस्था रखने वाले हैं, मेरा कि लेकिन कोई आस्था नहीं है। नास्ता धर्मे नौ च वसु निचय, वसु मतलब अर्थो संपत्ति, ये मेरा जायदाद संपत्ति है 80 करोड़ रुपया का होगा, हमारा सामने कौन आएगा? चलो ठीक है, आराम से जिंदगी आयस आराम के साथ गुजारेंगे, कोई सेवा पेपर नहीं करेंगे, चलो करो। तो कुलशेखर जी ने बताया नास्ता धर्मे, हमारा जेनरल धर्म भी आस्था नहीं है, क्योंकि ये बंधन में डालने वाले संसार धर्मों मानव धर्मों जितना भी धर्म है लोक धर्मों सब तुमको बंधन में डालेंगे, रेहा नहीं होगा, बंधन में डालेंगे। नास्ता धर्मे नौ वसु निचय नैव काम होगे, मेटेरियल वसु निचय मतलब अर्थ आदि संपत्ति में मेरा आस्था नहीं है। हे भगवान, हम धन संपत्ति में आस्था नहीं रखने वाले हैं, नैव काम भोगे, और मेटेरियल इंजॉय में अरे मिला है लूट ले, मिला है लूट ले, एंजॉय कर ले, ऐसा विचार में मेरा कोई आस्था नहीं है। एक लड़का है आसाम का, उसका नाम का दरकार नहीं, वो सारस्वत चैतन्य सरस्वत मत का शिष्य है। किसका शिष्य है ये भी बोलने का जरूरी है नहीं, क्योंकि ये बेमतलब है। इन्होंने मेरे को बताया, महाराज मैं एक विदेशी लड़की को शादी कर लिया और मेरा दिमाग खराब हो गया। उसका बाद मैं क्या विदेश में जाके एक शॉप में, एक गिफ्ट शॉप है, इस शॉप में नौकरी लिया। महीना में बहुत सारे रुपया मेरा इनकम है। और एक आचार्य जी ने मिला जो हमको भी जानता है। आचार्य जी ने हमने बोला देखो मेरा बीवी बंगला में है और असम में है, मैं इधर रहना नहीं चाहता, क्या करे इधर रह के, ये तो बेकार है, समय खराब हो, पैसा तो आएगा लेकिन जिंदगी बेकार है। तो आचार्य ने बुद्धि दिया, अरे तू कमा ले पैसा, अब महलत आया कमा ले पैसा, छोड़ना नहीं। हमने हैरान हो गया, वाह सुंदर आचार्य है, कितना सुंदर बुद्धि तेरे को दे दिया है, यही आचार्य चलेगा आजकल के जमाने में। उसको और आग में डाल दिया, आग में घी डाल दो और ज्यादा, कितना बढ़िया। इसीलिए तो इतना हालत खराब होती जा रहा है दिन ब दिन। तो नास्ता धर्मे नौ वसुनिचय नई वो काम हो गए, एंजॉयमेंट में भी मेरा कोई आस्था नहीं है। यद जद भाव्यम तद भवतु भगवान पूर्व कर्मानुरूपम, हे भगवान मेरा तकदीर में जो है वो होने दो। यद भाव्यम जो होना है, तद भवतु होने दो भगवान, पूर्व कर्मानुसु तत्वनुकंपम सुषमीक्षमान, मेरा कर्मफल के अनुसार मेरा जो होना है होने दो। सिर्फ इतना प्रार्थना आपका चरण में है। एतत् पार्थम मम बहुमतम जन्म जन्मांतरेपि, हे भगवान तुम्हारा चरण में मेरा एक ही प्रार्थना बचा है, वो क्या है? एतत् पार्थम मम बहुमतम जन्म जन्मांतरेपि, जन्म जन्मांतर में मैं तत्पादाम्बोरूहो जुगोगता निश्चला भक्तिरस्तु, तुम इतना कृपा कर दो ठाकुर कि तुम्हारा चरण में मेरा निश्चला भक्ति हो जाए। ये संसार को देखकर मेरा कोई दिलचस्पी नहीं है। ये संसार को देख लिया, प्रहलाद महाराज ने रो रो कर बताए, काल चर्चा करेंगे, रो रो कर बताया ठाकुर जी हमको नहीं चाहिए संसार, हमने देख लिया। नृसिंह भगवान आपका जो भयंकर मूर्ति है, इसको डरता नहीं हूं मैं, इसको डरता नहीं हूं मैं, डरता हूं संसार चक्र कदनाद ग्रसतम पनीतम, ना हम विभेमिते अति भयानकस्यो जिह्वार कनेत्र भुकटि रवसो गुरुदम स्टात। एक चर्चा करेंगे, आज यहाँ समाप्त होना जरूरी है, टाइम हो गया। नास्ता धर्मे न वसु निचये नैव काम भोगे, यद भाव्यम तद भवतु भगवान पूर्व कर्मानुरूपम, एतत् पार्थम मम बहुमतम जन्म जन्मांतरेपि, तत्पादाम्बरुहो जुगगता निश्चला भक्तिरस्तु। वांछा कल्पतरुवस्य के पास पतितानं पावनं वैष्णवेभ्यो नमो।